Before that, let us first recall the last one. First question, what is the minimum net owned fund required for NBFC registration? NBFC के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम नेट ओन फंड जो रिक्वायर्ड है वो इनमें से कितना है बताइए। हमने रिसेंटली इस चीज़ के बारे में काफ़ी देखा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि भाई NBFCs के ऊपर रिसेंटली RBI भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कंट्रोल लाने की कोशिश कर रही है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि मिनिमम नेट ओन फंड जो है वो कितना चाहिए होता है अगर आपको NBFC का रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 2 करोड़ जो है वो हमें इस चीज़ के लिए स्पेसिफिकली चाहिए। वॉट इज़ द एसेंशियल क्राइटेरिया फॉर एग्जम्पशन फ्रॉम RBI रजिस्ट्रेशन फॉर सर्टेन NBFC? क्या चीज़ जो है वो एसेंशियल क्राइटेरिया है एग्जम्पशन के लिए अगर आपको NBFC के अंदर आप आते हैं तो? क्या मेजरली इसके अंदर चीज़ें देखने को मिलती है? तो SEBI से जो सर्टिफिकेशन लेने का की काम है, वैलिड सर्टिफिकेशन की चीज़, वो एक एग्जम्पशन है इस चीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेगुलेटरी बॉडी ओवरसीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है उनको कौन रेगुलेट करता है, उसका रेगुलेशन किसके हाथ में बताइए? हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का रेगुलेशन किसके हाथ में है? तो नेशनल हाउसिंग जो बोर्ड है उसके हाथ में बेसिकली चीज़ देखने को मिलती है। हालांकि थोड़े टाइम पहले इसका जो सिस्टम है वो पूरा पूरा RBI के पास में चला जा चुका है ना, तो ये और भी चेंजेस आ रहे हैं इसके अंदर। इन वॉट ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन फाउंडेड? यूनाइटेड नेशन जो है वो इनमें से कब फाउंड किया गया, कब बनाया गया था? काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है। हमने देखा था UN के अंदर 6 पार्ट्स होते हैं और बेसिकली वर्ल्ड वॉर के पूरे होने के साथ में इसको जो है बनाया गया था 1945 के अंदर, है ना। ये चीज़ देखने को यहाँ पर मिलती है। हाउ मेनी मेम्बर स्टेट्स आर करंटली पार्ट ऑफ UN? UN के अंदर आज की डेट में कितने सारे देश जो है वो काम कर रहे हैं, कितने मेंबर स्टेट्स इसके अंदर जो है वो देखने को मिल रहे हैं? हमने देखा था ताइवान इसका मेंबर नहीं है, है ना, और भी कई सारे जो देश हैं वो इसके मेंबर, जैसे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वो आज भी मेंबर नहीं है। तो टोटल मिला करके 215 के आसपास में देश कहे जाते हैं, लेकिन आज की डेट में रिकग्नाइज जितने हैं UN से तो उनकी संख्या 193 ही है ना। ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन विच सिटी वॉज द यूनाइटेड नेशंस चार्टर साइंड इन 1945? यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो इनमें से कौन से जो सिटी है उसमें साइन किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सैन फ्रांसिस्को के अंदर इसको साइन किया गया है। व्हेन डिड द इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस अडॉप्ट द कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट? पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बेसिकली यहाँ पर क्या चीज़ है कि दुनिया भर के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक अलग से एक सेटलमेंट बॉडी बनाई गई है ना, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि ये कब बनाई गई है और इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस ने इसको कब अडॉप्ट किया था, ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो पूछा जा रहा है। बताइए एनीवन, कब ये चीज़ की गई है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1902 के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है। विच रिवर आर मेंशन्ड एज द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ गल्फ ऑफ गुयाना? गल्फ ऑफ गुयाना के बारे में हमने कल पूरा काफ़ी डिटेल में देखा था, अफ्रीका के अंदर ये चीज़ काम आती है और यहाँ पर किस तरह से जो है वो आज की डेट में जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसके ऊपर यहाँ पर जो है बात की जा रही है। तो ऐसे यहाँ पर क्या चीज़ आंसर हो जाएगा इसका? आंसर है वोल्टा और नाइजर जो रिवर है वो बेसिकली यहाँ पर देखने को मिलती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड्स टोटल पेट्रोलियम रिजर्व डज द गल्फ ऑफ गुयाना रीजन अकाउंट फॉर? गल्फ ऑफ गुयाना रीजन के अंदर वर्ल्ड का पेट्रोलियम रिजर्व अगर हम लोग देखें तो इनमें से कितना परसेंट जो है वहाँ पर देखने को मिलता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? वर्ल्ड का 35% ऑयल जो है वो इस एरिया के अंदर देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन कंट्री सिचुएटेड अलॉन्ग द गल्फ ऑफ गुयाना? गल्फ ऑफ गुयाना के अंदर इनमें से कौन सी कंट्री नहीं है बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री, इनमें से कौन सी उसके अंदर कंट्री नहीं है? तो भाई सीधी सी चीज़ देखने को मिलती है कि भाई जो थाईलैंड है वो तो इंडिया के आसपास का देश है ना, वो तो साउथ ईस्ट एशिया में आता है, जबकि गल्फ ऑफ गुयाना अफ्रीका कंट्रीज के अंदर है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो लागू नहीं होगी, ये चीज़ जो है वो साफ तरीके से जो है वो आपके देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर आप जो है वो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ पर जो है वो सामने आई है। अब शुरुआत करते हैं हम लोग आज के न्यूज़पेपर से। सो फर्स्ट न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि वोटर टर्नआउट जो है वो रिसेंटली जो है वो सामने आया है, जहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली है कि जो वोटर टर्नआउट है उसके बारे में यहाँ पर ये चीज़ सामने आई है दैट आपके जो है वो 74% जो है वोटर टर्नआउट यहाँ पर देखने को मिला छत्तीसगढ़ और MP के अंदर। आपने देखा होगा रिसेंटली जो है वो चुनाव का माहौल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर ये चीज़ सामने आ रही है, यहाँ पर ये चीज़ जो है वो सामने आ रही है दैट आपके
जो वोटर्स का जो टर्नआउट है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अंदर ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि जो विनिंग पार्टी है, अगर जो एस्टैब्लिश पार्टी है उसकी अगर पकड़ अच्छी होती है, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि वोटर टर्नआउट्स भी जो है वो उसमें बढ़त देखने को मिलती है ना। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर जो है वो सामने आ रही है। ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ें बेसिकली इसमें सामने आ रही है और इससे रिलेटेड यहाँ पर काम दिख रहा है। द जियो पोलिटिकल फॉलआउट ऑफ इसराइल हमास वॉर, इसराइल और हमास की जो लड़ाई है उसका जियो स्ट्रेटेजिकल और जियो जो पॉलिटिकल इफेक्ट क्या रहेगा उसके ऊपर काफ़ी अच्छा एडिटोरियल जो है वो ये आज देखने को मिला है। इसके अंदर जो मेजर चीज़ सामने आ रही है वो ये आ रही है कि एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो है यहाँ पर सामने आई है। देखिए इनका क्या कहना था, इनका कहना था कि भाई जो मास लेवल पर ये चीज़ देखने को मिल रही थी कि भाई जो इसराइल है उसका रिलेशंस बाकी आसपास जितने मुस्लिम देश थे उनके साथ में अच्छा नहीं था, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, किसी से भी अच्छा नहीं था, है ना, क्योंकि ये लोग मुस्लिम थे और बाकी जो देश थे वो आपके, ये जो देश मुस्लिम थे और इसराइल जो था वो आपके ज्यूस था, तो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स जो है वो देखने को मिलते थे, उनके बीच में एक तरह से जो है वो समझौते नहीं हो रहे थे। लेकिन रिसेंटली क्या चीज़ देखने को मिली थी कि चाइना की हेल्प से ईरान और सऊदी अरेबिया जो कि एक शिया और दूसरा सुन्नी मुस्लिम का है, वो जो है उनके बीच में जो पहले लड़ाई चलती थी वो लड़ाई जो है वो चाइना ने ख़त्म करवा दी। फिर चाइना का वहाँ पर इस बात के ऊपर डोमिनेंस होने के कारण से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यूएस को ख़राब लगा क्योंकि यूएस का ये एरिया है और यूएस का यहाँ पर डोमिनेंस था, लेकिन फिर भी काम चाइना ने करवाया दोनों के बीच में। ऐसा यूएस ने अपने आप को यहाँ पर जो है वो वापस एस्टैब्लिश कराने के लिए दूसरी चीज़ करने की कोशिश करी, जहाँ पर इसराइल की जो बातचीत है वो इन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ करवाने की कोशिश करी, जहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर अल्टीमेटली यहाँ पर जो है वो बात करवाएंगे और इस पूरे एरिया के अंदर जो है वो दोनों ही देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे करेंगे। इनके बीच में रिलेशंस अच्छे हो भी रहे थे और काफ़ी ज़्यादा जो है वो ये रिलेशंस जो है वो एक सही दिशा के अंदर जा रहे थे, लेकिन सीधा उसका इफेक्ट क्या बढ़ रहा था, उसका इफेक्ट ये बढ़ रहा था कि पैलेस्टीनियन कॉज के लिए जो लोग खड़े थे वो बेसिकली कौन थे, तो पैलेस्टीनियन कॉज के लिए जो खड़े होने वाले लोग थे वो लोग थे जो कि आसपास के अरब कंट्रीज थे। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि आपके पैलेस्टीन कॉज जो है उसके लिए खड़े होने वाले जो लोग थे उसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली थी कि भाई ये सारे देश साथ में खड़े होने वाले थे मुस्लिम्स के, लेकिन यही देशों ने अब जो है वो कोशिश करने लग गई कि वो इसराइल के साथ में बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि हमास को इस चीज़ का खराब लगा, ऐसा इनका मानना है कि भाई हमास ने इसलिए सबका अपना अपनी तरफ अटेंशन लाने के लिए वापस से, और ये जो अकॉर्ड, ये जो साइनिंग हो रही है दोनों के बीच में जहाँ पर जो है वो इसराइल का रिलेशन अच्छा हो रहा है सऊदी अरेबिया के साथ, ये चीज़ जो उसको सहन नहीं हो रही थी, तो अल्टीमेटली हमास ने क्या करवाया, अपनी तरफ सारा अटेंशन खींचने के लिए यहाँ पर सारे के सारे जो ये जो बॉम्ब ब्लास्ट किया है और अपने वहाँ सारी जो लड़ाई शुरू हुई है इससे अल्टीमेटली वापस ये इफेक्ट हुआ है कि यहाँ पर जो कॉज था, यहाँ पर जो पैलेस्टीन का जो चीज़ थी उसको वापस से गौर किया गया और सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में जो नॉर्मलाइजेशन होने वाला था रिलेशंस का वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो रुक गया है, ये बात जो है यहाँ पर इन्होंने बताई है। दूसरी चीज़ ये भी चीज़ सामने आ रही है कि भाई चाइना का जो रोल है या फिर यूएस का जो रोल है वो इन एरियाज के अंदर एक तरह से कॉम्पिटिटिव रोल हो चुका है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन के अंदर है कि क्या वास्तव में यहाँ पर ये चीज़ को मेंटेन किया जा सकता है, किस तरह से जो है उसको माना जा सकता है ना। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पर जो है वो सामने आ रही है जिसके बेस के ऊपर चीज़ें देखने को मिली। बिल्डिंग द फ्लोर, देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि रिसेंटली जो है वो एपेक की समिट के दरमियान में यहाँ पर चाइना और जो यूएस है इनके बीच में बातचीत देखने को मिली है। दोनों के बीच में बातचीत जो है वो इस तरह से चली है जहाँ पर जो है वो कोशिशें हो रही है कि भाई किस तरह से दोनों के बीच में एक स्टेबल समिट हो सके और दोनों के बीच में जो लड़ाई और एक तरह से कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट और स्पिरिट बन चुकी है उसका यहाँ पर जो है वो निराकरण हो सके। ऐसा यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा बातचीत इनके बीच में रहती है लेकिन मेजरली जो डिस्प्यूट्स है उनको रिजॉल्व नहीं किया पाता है ना। यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि कंक्रीट कंक्रीट लेवल पे जो एग्रीमेंट्स है वो इनके बीच में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर जो है वो मिलिट्री डायलॉग जो है वो सबके सामने आता है और एआई सेफ्टी की जो सारा समिट है, सारा काम है उसके लिए कोशिश की जाती है कि भाई एआई के रिलेटेड समिट होगी और यहाँ पर जो सिचुएशंस है उनको कंट्रोल करने की जो है वो कोशिशें की जाएगी। सेकेंडली ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि ताइवान एक बहुत बड़ा इशू है दोनों के बीच में, जहाँ पर ताइवान का सपोर्ट करने के लिए कोशिश करता रहता है यहाँ पर, वहीं दूसरी तरफ जो है यूएस यूएस का विरोध करने के लिए और ताइवान का यहाँ सपोर्ट यूएस ना कर सके उसके लिए चाइना यहाँ पे कोशिशें करता रहता है। तो अल्टीमेटली दोनों के ही बीच में काफ़ी सारा इशूज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और ऐसी पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है कि भाई ये इशूज सारे सॉल्व किए जा सकते हैं अगर इस एरिया के अंदर जो है वो इस तरह का फ्लोर्स में
मेंटेन किया जाए सिचुएशंस को, और वापस बार बार डायलॉग करके और बेसिकली सिचुएशंस को हाथ में लिया जाए, है ना। ये चीज बेसिकली इसके अंदर जो है वो सामने आ रही है। स्टेट ऑफ इकोनॉमी टेम्परिंग द यूफोरिया। देखो यहाँ पर क्या चीज देखने को मिल रही है कि IMF जो है उसने इंडिया की जो GDP का प्रोजेक्शन है वो 6.3% पर कर दिया है कि भाई 6.3% के आसपास में इंडिया का GDP जो है वो ग्रो करेगा। इसके साथ में ये चीज देखने को मिलती है कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो भी वो जो है बेसिकली इंडिया का रिविजन नीचे की तरफ कर रहा है कि भाई इंडिया में ग्रोथ 4.2% होगी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडिया की जो ग्रोथ है वो खराब नहीं हो रही है, है ना। हमारी ग्रोथ रेट जो है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, और बेसिकली इसका रीज़न भी यही है कि हमारे पास में एक अच्छे लेवल पर जो है वो यहाँ पर जो है वो काम चल रहा है, और अल्टीमेटली इकोनॉमिकली जो है वो ग्रोथ सामने आ रही है, जिससे अल्टीमेटली काफ़ी फायदा हुआ है। हालांकि जो 2020 का सेकेंड क्वार्टर था उसके अंदर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी COVID-19 कारण से, और नेगेटिव की तरफ जो है हमारी ग्रोथ रेट चली गई थी -17-16 के आसपास में, लेकिन वापस से हमने काफ़ी इंक्रीजिंगली उसको जो है वापस लिया है, अल्टीमेटली एक स्टीप रिकवरी करी। इसको वी शेप्ड रिकवरी कहते हैं, यानी कि एकाएक नीचे जाना और वापस से जो है कहीं ग्रो कर जाना, ये जो वी शेप्ड रिकवरी थी वहाँ पर वो जो है देखने को मिली थी। दूसरी चीज़ ये भी सामने आ रही है कि भाई इन सब चीज़ों के बाद में जो हमारा ट्रेड है बाकी देशों के साथ में, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें काफ़ी सारा इश्यू है, क्योंकि जो ट्रेड डेफिसिट है यानी कि इम्पोर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा है चाइना के साथ स्पेसिफिकली, बहुत ज़्यादा हमारे जो है वो इम्पोर्ट है जबकि एक्सपोर्ट बहुत मिनिमल है ना। ये चीज़ें जो है बेसिकली गलत दिशा के अंदर देश को लेकर के जाती है, क्योंकि देश का एम्प्लॉयमेंट सारा सारा बाहर देशों को मिल जाता है ना। तो ये चीज़ें हमारे लिए जो है वो काफ़ी आज की डेट में काम की नहीं है। सेकेंडली जो इसमें ये चीज़ देखने को मिल रही है वो ये है कि भाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है उसमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, और इसके अलावा जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जो सिचुएशन है उसके अंदर लगातार गिरावट सामने आ रही है। देखो देश में इन्वेस्टमेंट जो होता है वो देश को बूस्टर की तरह काम करता है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा तो ज़्यादा काम मिलेगा, ज़्यादा बिजनेसेस बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ है कि भाई जो इन्वेस्टमेंट है उसकी गति लगातार गिरती जा रही है, उसका पेस लगातार गिर रहा है, जो कि देश के लिए अच्छी चीज़ जो है वो नहीं मानने को मिल रही है ना। तो ऐसा इन सब चीज़ों के होने के कारण से जो है वो HDI की जो वैल्यू है इंडिया के अंदर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो वैल्यू है उसके अंदर भी मॉडरेट सा काम है हमारा, क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ जितनी होनी चाहिए थी उतनी आज की डेट में देश के साथ में नहीं है ना। और ऐसा यहाँ पर क्या चीज़ है, इनका कहना है कि भी जो HDI है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए, जिसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, सबके ऊपर काम करके और अल्टीमेटली सिचुएशन को टैकल किया जाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमें एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव यहाँ पर जो है वो रखना चाहिए। ये चीज़ सामने आ रही है। समिट क्लैश, देखो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये चीज़ सामने आ रही है कि जो वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर को शुरू हुआ था उसके अंदर इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से गेम खेला है। यहाँ पर ये चीज़ सामने आई है कि लगभग जितने मैचेस खेले हैं सारे के सारे जो है वो इंडिया जीता है ना, और सबके अंदर जो है वो लगातार जीतने के बाद में अल्टीमेटली सिचुएशन ये आ चुकी है कि फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारे जो है वो ऑस्ट्रेलिया के सामने हमारी टक्कर देखने को मिल रही है। ये सेम टक्कर पहले भी 2003 का जो आपके जो मैच था उसके अंदर भी थी, जहाँ पर इंडिया की तरफ से सौरव गांगुली थे और सामने जो थे वो रिकी पॉन्टिंग जो थे वो यहाँ पर जो है वो मैच के अंदर थे, और इंडिया जो है काफ़ी खराब तरीके से हारा था फाइनल्स के अंदर। अब ये चीज़ वापस से देखनी है कि क्या चीज़ यहाँ पर रहने वाली है वापस से। दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि वहीं दूसरी तरफ इस बार का जो हमारा गेम खेल है तो उसके गेम है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हमारे पास में है, चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, चाहे विराट कोहली हो, श्रेयस अय्यर हो, या फिर KL राहुल या फिर जसप्रीत बुमराह हो, इसको भी आप लेंगे तकरीबन 7 से 8 ऐसे प्लेयर्स है जो कि कम्प्लीट फॉर्म के अंदर है ना। तो ऐसे चांसेस है कि शायद इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ही कर सकता है और जीत सकता है। ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली आपके जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है आपके अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर, वहाँ पर ये जो है वो मैच होने वाला है। अब ये चीज़ देखने की भी कितना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इसे देखने को मिलेगा और क्या क्या आउटपुट इसका रहता है, ये चीज़ जो है वो भविष्य में देखने को मिलती। आर्टिकल 370 ऑर्डर पेंडिंग इवन एज जज इज सेट टू रिटायर। देखो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है वो आर्टिकल 370 के ऊपर यहाँ पर जो जजमेंट पेंडिंग है उसके ऊपर यहाँ पर इन्होंने बात करी है, जहाँ पर इनका ये कहना है कि जो स्पेशल प्रिविलेज जम्मू एंड कश्मीर को मिलती थी उसको डाइल्यूट कर दिया गया था 370 से। ये जो चीज़ है इसको हटाने के ऊपर, 370 को हटाने के ऊपर जो है वो रिसेंटली जो बेंच बैठी थी जिसके अंदर 5 जजेस थे, तो उसमें संजय कृष्ण कौल एक जज हैं, तो उनकी रिटायरमेंट जो है वो होने वाला है 25 दिसंबर को, लेकिन उससे पहले इसका जजमेंट रिजर्व करके रखा है, उसको निकाला जाएगा या नहीं, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही।
इंडिया हैज़ अ क्रिटिकल रोल इन दुबई कॉन्फ्रेंस। देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि दुबई के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है, जहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई दुबई की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखिए आपको जो चैनल है, चैनल की जो पीडीएफ है वो आपको लॉ प्रेप के पोर्टल पर मिल जाएगी, तो लॉ प्रेप के पोर्टल्स जो है वो आप इसको ले सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिलती है कि आपके जो दुबई के अंदर जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि COP28 जो है वो आपके जो है वो दुबई के अंदर यहाँ पर होने को है, और ये कॉन्फ्रेंस पार्टीज बेसिकली वो कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर जो है वो एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पर कोशिशें की जाती है। और जो रियो डी जेनेरियो के अंदर सबसे पहली समिट हुई थी, उस समिट के बाद में ये चीज़ देखने को मिली थी कि भाई इंडिया जो है और वर्ल्ड के जितने देश हैं वो सारे सारे एनवायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध होकर के काम करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद में हर साल लगभग जो है मीटिंग होती है जिसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहते हैं, कोप कहते हैं। तो ऐसे में वो जो कोप है उसका 28वां साल जो है यहाँ पर देखने को मिला है, 28th पार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ पर सभी देश मिलकर के कोशिश करेंगे कि भाई दुनिया भर का जो ग्रीन हाउस गैस का टेम्परेचर है उसको जो है बेसिकली कोशिश करें कि वो जो है वो ज़्यादा ना बढ़े, और 1.5 डिग्री से ऊपर तो बिल्कुल भी ना बढ़े, है ना। कोशिश करेंगे कि भाई 2 डिग्री तो हाईएस्ट है, नहीं तो 1.5 डिग्री से ऊपर तो बढ़ने ना दे इसको, इसकी कोशिश की जा रही है। जैसे हमने देखा हुआ है कि भाई ग्रीन हाउस गैसेस अगर बढ़ जाती है तो उसका इफेक्ट अल्टीमेटली क्या होता है कि भाई दुनिया भर के अंदर ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, दुनिया भर के अंदर जो है वो आपकी जो रेन है उसका सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, ड्रॉट और फ्लड्स जो है वो लार्ज स्केल में आने लग जाते हैं, छोटे छोटे आइलैंड सारे सारे डूब जाते हैं, और यहाँ पर अल नीनो लालिना का इफेक्ट बढ़ता जाता है, सारी सारी चीज़ें स्पीशीज जो है बायोडाइवर्सिटी जो है उनके ख़त्म होने के चांसेस रहते हैं, लेक्स जितने भी हैं उनके तबाह होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी सारी चीज़ें क्या कर रही है अल्टीमेटली कि आपकी जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेज हैं वो उसके बिना पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। नॉर्मल इस तरह की जो मीटिंग्स होती है उसके अंदर ये बात होती है मेजरली कि जो अमीर देश हैं जिन्होंने 200 साल तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह चलाए हैं उनके कारण से इतना पोल्यूशन हुआ है, तो वो सारे देश जो है बेसिकली पैसा दे और उस पैसे से जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज सारे के सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी का अपना काम है वो सारा के सारा जो है वो कंप्लीट कर सकें, इसकी बात जो है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और इसके लिए जो है वो बेसिकली सरकार भी कोशिशें कर रही है और सरकार भी इसके लिए काम कर रही है। तो इनका यहाँ पे ये कहना है कि भाई जो माजिद उल सवादी है जो कि डायरेक्टर जनरल है COP28 के, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का एक बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल है पूरे एरिया के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो कई सारे देशों को हेल्प कर सकती है और खुद से जो है वो कई सारा काम कर सकती है, और बहुत ज़्यादा लेवल पर पोल्यूशन अगर जिस देश से है वही अगर उसको कंट्रोल कर ले तो काफ़ी फायदा हो सकता है। दुनिया में जो थर्ड लार्जेस्ट पोल्यूटर है वो इंडिया है ना, चाइना US के बाद में और चाइना के बाद में जो है वो इंडिया सबसे बड़ा पोल्यूटर जो है वो देश दुनिया में देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ बेसिकली यहाँ पे सामने आई। कितने कंट्रीज इसके अंदर है, कौन कौन सी मेजर मीटिंग्स थी, उसके बारे में सारी चीज़ें इसमें डाल दी गई है, तो आप इसमें से देख सकते हैं। फॉर रेस्क्यू IAF लैंडेड अ C-130J ऑन ग्राउंड डिक्लेयर्ड अनफिट फॉर प्लेन। देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि रिसेंटली जो खबर आई थी कि भाई इंडिया जो है, इंडिया के अंदर जो हमारे जो हिमालयन एरिया है वहाँ से जो है रिसेंटली ये चीज़ देखने को मिली थी कि उत्तरकाशी के अंदर जो एरिया है वहाँ पर एक माइन के अंदर ऊपर से जो है वो ज़मीन ढहने के कारण से कई सारे जो है वो बेसिकली मजदूर, कई सारे वर्कर्स जो है वो फंस गए थे वहाँ पर, उनकी ऊपर जो है बेसिकली ये जो एरिया था उसके अंदर टनल जो थी वो पूरी पूरी गिर गई थी उनके ऊपर, जिसके कारण से काफ़ी सारों की डेथ हो चुकी है और काफ़ी के बारे में पता नहीं। ऐसा जो है वो गवर्नमेंट ये ऑपरेशन चला रही है जिसके तहत जो है वो उनको निकाला जा सके बाहर, तो उसके लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं, और आर्मी की तरफ से भी जो है वो काफ़ी सारे रेस्क्यू की टीम्स बुलाई गई है जो कि सारा का सारा काम करने की कोशिशें कर रही है। ऐसा तो इंडियन एयरफोर्स जो है पूरी तरह से इसमें काम कर रही है, और C-130J जो प्लेन है उसको यहाँ पर जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा है अनफिट, क्योंकि वो और ज़्यादा जो यहाँ पर काम करता था। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि इंडियन एयरफोर्स जो है वो इसके लिए कोशिश कर रही है लेकिन लार्ज स्केल पर अभी तक कुछ फ़ायदा मिल नहीं पाया है ना, ये चीज़ें बेसिकली इसमें देखने को मिल रही है। ये है C-130J की स्पेसिफिकेशंस जो कि आप देख सकते हैं और एयरक्राफ्ट के बारे में जान सकते हैं। जापानीज़ PM रेजेस सीरियस कंसर्न्स अबाउट मिलिट्री एक्टिविटी इन टॉक विद जी। जैसे हमने देखा था रिसेंटली कि जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन जो है वो काफ़ी सीरियस कंसर्न्स यहाँ पे दिखाए हैं, और जिस तरह से जो है वो जी यानी कि जो आपके यहाँ पर जो
जी जिनपिंग है, जो कि स्पेसिफिकली आपके चाइना के प्रीमियर है, चाइना के जो है बेसिकली सबसे बड़े प्रेसिडेंट हैं और सबसे बड़ी अथॉरिटी है, उनके साथ रिसेंटली मिले हैं, क्योंकि जापान और चाइना के बीच भी काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो सामने आ रहे हैं। दोनों के बीच में ये चीज़ देखने को मिल रही है कि जापान लगभग हर तरीके से यहाँ पर जो है वो प्रयास कर रहा है कि वो चाइना के साथ कॉन्सिलेशन कर सके। यही सेम चीज़ चाइना की तरफ से भी देखने को मिल रही है। दोनों ही देशों के बीच में कई सारे आइलैंड्स को लेकर के लड़ाई है। और दूसरी चीज़, जापान का सपोर्ट US को काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो कि चाइना को अखरता है। इन सब चीज़ों के होने के कारण से चाइना को ऐसा लगता है कि भी उसको घेरा जा रहा है, कि ताइवान भी जो है वो US को सपोर्ट कर रहा है, साउथ कोरिया, जापान भी सपोर्ट कर रहे हैं US को, और इसके साथ में नीचे देखें तो फिलीपींस भी सपोर्ट कर रहा है आपकी US को। तो एक तरह से चारों तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है आपकी US, जो चाइना है उसको। इन सब चीज़ों के होने के कारण से जो है वो दोनों के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि भाई ये जो डिस्प्यूट्स हैं, इन इन लीडर्स के द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हम लोग कम करके और सिचुएशन को कंसर्न कर सके, टैकल कर सके। चाइना ताइवान का इशू हमने कल देखा ही था, है ना। और जापान और साउथ कोरिया देखो, यहाँ पर ये आप मैप के जरिए देख सकते हो किस तरह से जापान और यहाँ पर चाइना जो है वो काफी पास पास में है, और साउथ चाइना सी के ऊपर भी काफी ज्यादा डिस्कशन इनका जो है वो मेजरली देखने को मिलता है। चाइना जो इतना बड़ा एरिया है इस पूरे एरिया के अंदर, उसका मेजरली लगभग जितने देश हैं आसपास हैं उन सबके साथ में डिस्प्यूट लगभग चलता है, चाहे वो वियतनाम हो, चाहे लाओस हो, चाहे वो बर्मा हो, या फिर इंडिया, नेपाल, भूटान ही क्यों ना हो, लगभग सबके साथ उनका जो है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट देखने को मिलते हैं। और यही सेम चीज़ उनके जो है वो सदर्न पार्ट के अंदर, जो आपके उनका जो राइट हैंड साइड का जो पार्ट है उसके अंदर भी देखने को मिलती है, जहाँ पर जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वो इशूज सामने देखने को मिलते हैं। इवन रशिया के साथ में इनका जो है वो कई एरियाज के लिए डिस्प्यूट है ना, ये चीज़ बेसिकली इसमें देखने को मिलती है। बैंक स्टॉक फॉल एज RBI टाइटन्स रूल्स। देखो यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि RBI ने रिसेंटली एक स्टडी करने के बाद में ये रूल निकाल दिया है कि भाई जितने भी जो लोग हैं, जितने भी जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनके अंदर हम लोग जो है वो नए नए जो है रूल्स निकाल रहे हैं कि भाई अब जो है वो हर एक को लोन नहीं दिया जा सकता है, और क्या वेट होगा, क्या रिस्क होगी इसके हिसाब से देख करके, और कंज्यूमर्स को लोन दिया जाएगा उसकी क्राइटेरियाज को स्ट्रिक्ट कर दिया। बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहेगी, बैंक्स की लोन की ग्रोथ किस तरह की रहेगी, ये सारी सारी चीज़ें जो है उसका जो सारा सारा लेंडिंग का काम है वो सब का सब जो है उसके अंदर देखने को मिलेगा। और ऐसा जो है वो इसके कारण से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बैंक्स के जो स्टॉक है, यानी बैंक्स की जो कमाई है, बैंक्स के जो स्टॉक की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा गिर गई। देखिए स्टॉक्स की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है, गिरती किससे है कि भाई जो स्टॉक्स है यानी कि उनके जो शेयर्स हैं उनकी डिमांड या सप्लाई मार्केट में कितनी है। अब अगर आप रेगुलेशंस बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होने के चांसेस कम हो जाएंगे, और प्रॉफिट होने के चांसेस गिर जाएंगे तो अल्टीमेटली जो है वो शेयर्स पर इतना आउटपुट नहीं मिलेगा, तो इसलिए लोग शेयर्स पर जो इन्वेस्ट करे हुए भी थे वो भी अपना इन्वेस्टमेंट वापस खींच लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इसमें देखने को मिलती है, जहाँ पे बैंक्स का जो स्टॉक है वो गिर जाता है और RBI जो है उसके रूल्स को टाइट करने की कोशिशें करता है। इंडिया टारगेट 40 बिलियन इन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। देखिए टेक्निकल टेक्सटाइल्स की यहाँ पर बात की गई है। टेक्निकल टेक्सटाइल्स बेसिकली क्या होते हैं तो गौर करें, टेक्निकल टेक्सटाइल्स का मतलब ये है कि ऐसा एरिया जहाँ पर टेक्सटाइल जो है वो काम में आती है, लेकिन वो जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में काम में आती है, नॉर्मल कपड़ों की तरह काम में नहीं आती। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके जो जैसे आप देख सकते हैं कई एरियाज में हेलमेट का बनना, कई एरिया में आपके जो एस्ट्रोनॉट्स के जो कपड़े बनते हैं उनका बनना, है ना, कई सारी चीज़ें हैं जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंदर आती है, और वो जो है एक बहुत बड़ा सेक्टर है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का। अगर सही से एम्प्लॉयमेंट इसके अंदर जो है मिल जाता है तो उसका काफ़ी ज़्यादा फायदा जो है वो देश को पूरे को देखने को मिलेगा। और टेक्निकल टेक्सटाइल में बहुत ज़्यादा अगर आप चाहें तो स्किल की आवश्यकता नहीं है, लिमिटेड स्किल्स के साथ में भी वो जो है वो चल सकता है। ये चीज़ें बेसिकली इसमें सामने देखने को मिल रही है। ये है मेजर टेक्सटाइल की जो एक्सपोर्टिंग हब है वो। कुछ शॉर्ट न्यूज़ हमारे पास में है, जैसे जो है वो बुकर प्राइस जो है उसके बारे में, इस बारे में ये चीज़ देखने को मिली है कि रिसेंटली जो बुकर प्राइस है वो यहाँ पर AS भट्ट को जो मिला था, उनकी रिसेंटली डेथ हो गई है 87 ईयर्स की एज में। इसके बाद में मोहम्मद मिजू जो है उन्होंने एज अ न्यू प्रेजिडेंट यहाँ पर जो है शपथ ले ली है। इनके बारे में हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि ये एंटी इंडिया इनका स्टांस देखने को मिल रहा है, और कह रहे हैं कि भाई इंडिया से जितने भी प्लेन्स, जितने भी लोग सब कुछ आए हुए हैं उन सबको हम लोग वापस भेज देंगे, कोई भी इंडियन मिलिट्री का बस यहाँ पर नहीं रहेगा। गौरतलब सोचने की बात ये है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसके अंदर जो है वो आपके
इंडिया ने काफी ज्यादा हेल्प करी है मालदीव्स के लगभग हर चीज के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी मालदीव्स का इस तरह का जो रवैया व्यवहार है वो काफी ज्यादा सोचने वाला है। सेकेंडली हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली भी मालदीव्स एकदम पास का है, क्योंकि मालदीव्स जो है वो एकदम इंडिया के अंदर जो है वो आपके काफी सारे एरियाज के अंदर जो है वो हमारे लिए काम आता है। इवन अगर चाइना के साथ इनके रिलेशंस अच्छे बनते हैं और चाइना अगर इनको जो है वो कहीं ना कहीं कोई आइलैंड दे देता है, तो चाइना को अगर ये कोई आइलैंड दे देते हैं तो ऐसे में इंडिया के ऊपर नजर रखना और इन्हें स्ट्रेटेजिक सिचुएशन अगर कोई वॉर की सिचुएशन में अटैक करना हो तो चाइना के लिए फायदा हो सकता है। ऐसे में इंडिया के लिए काफी ज्यादा खराब चीज होगी अगर उनको जो है वो बेसिकली यहाँ पर कोई आइलैंड मिल जाता है ना। तो ये चीज़ें बेसिकली इसके अंदर सामने आ रही है जो कि इंडिया के लिए आज के दिन थोड़ा कंसर्न है कि भाई किस तरह से चीज़ें चलेगी। वर्ल्ड कप फाइनल टू बिगेन विद आईएफ एयर शो, आईएफ एयर शो के साथ में जो है यहाँ पर वर्ल्ड कप फाइनल जो है वो शुरू होगा। तो ये चीज़ बेसिकली इसमें सामने आ रही है। हाईकोर्ट क्वेश्चन, हरियाणा 75% लोकल कोटा इन प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में 75% लोकल कोटा देने के लिए जो हरियाणा गवर्नमेंट ने बिल पास किया था उसको क्वैश कर दिया है हाईकोर्ट ने, जहाँ पे इनका कहना है कि भाई इंदिरा स्वानी केस के तहत ये बात कही गई थी कि 50% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन आप ये चीज़ देखने को मिलती है कि 15% से बहुत ज़्यादा अधिक जो है वो यहाँ पर जो है वो हो चुका है और अल्टीमेटली इसे जो है वो हम लोग नहीं मेंटेन कर सकते, ये चीज़ सामने आई। तो ये था आज का हमारा न्यूज़ पेपर। किसी कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो आप हमें बता सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी टीम के अंदर लोग होंगे वो आपको इसका जवाब देंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ओके।